हमारी खास मेहमान कहाँ रह गई? बुलाता हूँ। हरिनी, घुसी हुई है, संभल के नहीं चल सकती। हरिनी, नानी को सॉरी बोलो। एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ हरिनी, वो आपसे गलती से नानी को धक्का लग गया था ना, और ये घर की बड़ी है, सो से सॉरी टू हर। अरे हरिनी, तुम नानी से टकराई हो ना, चलो सॉरी बोलो नानी को। डैड, ऐसे बात मत करो, मैं बची नहीं हूं। हरिनी, ये क्या तरीका अपने बाबा से बात करने का? OMG, आप सब लोग क्या सोशल वर्कर्स हो? सबको यही प्रॉब्लम है, क्या सही क्या गलत। बस बहुत हो गया, बिहेव योरसेल्फ, ऐसे बात करते हैं बड़ों से। अरे अश्रुति, कोई बात नहीं, बच्ची। हरिनी बेटा, मैं तेरी नानी हूँ, आ गले लग जा। What? लगता है आप टीवी सीरियल्स बहुत ज्यादा देखती हैं। ये गली लगना है नॉल, सो ओडी। ओडी? शिवानी, ओडी मंजे? Outdated. Oh. Come on, अब हो गया ना वेलकम, और इतना क्या चिपकना है? तेरे बाबा ने बताया कि तू अब कॉलेज चली गई? Yes. अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हो गई हूँ। IDK, बाबा मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? और मुझे अभी पता चला कि आप लोग ने मेरा हॉस्टल से एडमिशन कैंसिल करवा दिया। Why? क्योंकि बेटा, हम सब ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। हो ना वहीनी? हो। एक और वजह भी है, मैं नहीं चाहती कि जिस राह पर इसकी आई चल पड़ी थी उसी राह पर ये भी निकल जाए। जो गलती इसकी आई ने की थी वही गलती ये ना दोहराए, इसका ध्यान मैं रखूंगी। काकू, आप हरिनी के सामने ऐसा कैसे कह सकती हैं? अब हरिनी बच्ची नहीं, बड़ी हो गई है। वो तो अच्छा है कि देवयानी अमेरिका में अपना इलाज कराने गई, अगर वो यहाँ होती और ये सब सुनती तो उसे बहुत बुरा लगता। बड़ी हो गई है, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि ये हम सब के साथ रहे, ना कि अकेले हॉस्टल में। इसकी उम्र हो गई है, इसे सीखना होगा परिवार के साथ कैसे रहा जाता है, घर परिवार क्या होता है। लेकिन काकू, हरिनी पुलकित जीजू और देवी ताई के साथ भी तो रह सकती है, आप क्यों चाहती हैं कि ये यहाँ हमारे घर में चवान निवास में रहे हमारे साथ? करिश्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, हरिनी अपने खुद के घर में रह सकती है। कशाना, उस घर होम गृह में रहकर क्या संस्कार मिले इसको, ये तो दिख ही रहा है। और वैसे भी वो देवयानी इसको क्या संस्कार देगी, जिद और बहस के सिवाय? हरिनी, हरिनी, हेडफोन क्यों लगाया तुमने? निकालो इसे। बैड मैनर्स, राइट? दामाद जी, मेरी बात सुनेंगे आप? आप तो दिन भर अस्पताल में और पढ़ाने में व्यस्त रहते हैं, और देवयानी भी यहाँ नहीं है, तो फिर आप अकेले इसका ख्याल कैसे रख पाएंगे? अब देखिए, भगवान की दया से हरिनी का भरा पूरा ननिहाल है, हम सब साथ में रहेंगे तो वो कुछ नया सीखेगी भी। और पढ़ाई में पत्र लिखा इसे मदद भी करेगी, क्यों पत्र लिखा? जरूर बाबा। गाइस, Give me a break. अब सबने मिलके decisions भी ले, कोई मुझसे तो पूछो। अच्छा, अब ये सब छोड़ते हैं,
हरिनी, मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट खीर बनाई, चलो ना टेस्ट करके बताओ ना कैसे लगी। आओ। Enough यार, क्या है ये सब, इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है और मुझसे इतना मीठा बर्दाश्त नहीं होता। Anyways, मेरा रूम कौन सा है? हरिनी आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक ड्रॉप करता हूँ। हरिनी के पास लाइटर? तो सिगरेट पीती है? नहीं नहीं वहीनी, ऐसे कैसे सिगरेट पीती होगी, ये तो इसकी कोई सहेली का होगा, हो ना हरिनी? नहीं, ये तो मेरा ही है। गाइस रिलैक्स, इट्स नॉट अ बिग डील, आजकल तो सब स्मोक करते हैं। हरिनी, इस घर का कोई भी सदस्य स्मोक नहीं करता और ना ही बाहर की दुनिया में हर कोई स्मोक करता है, और इन सब चीजों से कोई भी कूल या अनकूल नहीं हो जाता। पहली बात मामी, मैं इस परिवार की सदस्य नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कूल और अनकूल के बारे में आप मुझे तो मत ही लेक्चर दो। ये पेंशन की उम्र में ये यंगस्टर की लाइफस्टाइल का टेंशन लेना भी कूल नहीं, कूल है। हरिनी, एक बात मैं भी बता देना चाहती हूँ बेटा, सिर्फ सरनेम एक होने से परिवार जुड़ नहीं जाता, हम सब एक परिवार हैं और तुम भी इस परिवार की सदस्य हो, हम सब एक दूसरे की परवाह करते हैं बेटा। और रीडिंग बेटे, ये सिगरेट विगरेट, इससे सेहत खराब हो जाती है, अच्छा नहीं है ये। काका ठीक कह रहे हैं हरिनी, आज से तुम सिगरेट नहीं पियोगी, यू हैव टू क्विट स्मोकिंग। हरिनी, तुम्हारे बैग में सिगरेट्स हैं? मुझे दिखाओ, मैं अभी फेंक देती हूँ। डोंट इवन थिंक, सोचना भी मत। ऐसे तो सारे सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर इस बात को सब सीरियसली लेने लगे तो ये सारी सिगरेट्स की कंपनीज बंद नहीं हो जाएगी, होगी ना? क्या अब मैं जा सकती हूँ? मुझे सीरियसली आपकी इस पंचायत में कोई दिलचस्पी नहीं, और मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा है यहाँ सब मिलके मुझे लेक्चर देने के लिए जमा हुए हैं। आई मीन, आपके पास और कुछ बेटर करने को नहीं है क्या? एक तो मुझे हॉस्टल से यहाँ जबरदस्ती लाकर बंद कर रखा है, और अब आप मुझे सिखाओगे कि मुझे मेरी लाइफ कैसे जीनी है? ये घर है या जेल? ऐसे करो, ऐसे रहो, ऐसे चलो। गॉड, FYI, मुझे किसी भी चीज की रोक टोक पसंद नहीं, और जब मैं अपने रूम में हूँ तो प्लीज DND। ए भाई, हो गया तेरा? भूख नहीं लगी? थोड़ा कुछ खा ले, या अक्षर यहाँ से वहाँ रख के बस तेरा पेट भर गया? वेरी फनी, मैं अपना और अपने खाने पीने का खुद ख्याल रख लूंगी। यू गाइस चिल, चले? ऑफ कोर्स। तुम्हारी बेटी तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है, और तुम कह रहे हो इसे तुम्हारे घर में रहना चाहिए। देखना, आगे चल के वो देवयानी को अपने हाथ की कठपुतली बना देगी। इसकी नाक में नकेल कैसे डालनी है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम बस देखते रहना। अब आप सब लोग खाना खा लीजिए प्लीज। आई, वो मैं विराट से भी बात कर लेती हूँ, पूछती हूँ कि सब ठीक तो है, और विनु से भी बात नहीं हुई ना, तो मैं चलती हूँ।